नमस्कार, आज मैं आपको वाटर एयर कूलर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कौन सा कूलर कहाँ के लिए सही रहेगा और किस कूलर को कहाँ रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीना वाले कूलर की। तो इस तरह के कूलर को खिड़की के बाहर ही रखना चाहिए, इस तरह के कूलर रूम के लिए सही नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं फाइबर कूलर की। तो इस तरह के कूलर रूम या हाल के लिए अच्छे होते हैं, ठंडी हवा के लिए खिड़की के पास ही रखें। अब हम बात करते हैं ऑफिस कूलर की। तो ऑफिस या रूम के लिए लिफ्ट और स्मार्ट कूलर ही बहुत अच्छे होते हैं, और इसकी खासियत यह है ये अन्य कूलरों से कम आवाज करता है, और इसके टच बटन, रिमोट कंट्रोल, मोबाइल ऐप से आप स्पीड को हाई लो ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ठंडी हवा के लिए हनीकॉम की घास रहती है, जिसका अगर रखरखाव सही से किया जाए तो 3 से 4 वर्ष तक चल जाता है। और इसके भी अन्य कूलरों से अधिक मजबूत होते हैं, जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइस की। तो डिजिट कूलर 4,000 से 7,000 के बीच मिल जाता है। लिप्टन और स्मार्ट कूलर की प्राइस की बात करें तो 12,000 से 15,000 के बीच मिल जाता है। तो आप अपनी पसंद से कूलर को चॉइस कर सकते हैं, पसंद आपकी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।